हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है मोर ऑन डेसिमल नंबर्स टू बाइनरी नंबर्स। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम लोग कैसे ऐसे डेसिमल नंबर्स जिनमें हमारे पास कोई भी डेसिमल पॉइंट एग्जिस्ट ना करे, फॉर एग्जांपल 27 हो गया या 56 हो गया, इन दोनों में हमारे पास कोई डेसिमल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो इनको हम लोग बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 0.25 या 0.56, तो इनको हम लोग बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहां पर ऊपर वालों से अगर कंपेयर करें तो हमें एक फर्क नजर आएगा, और वो फर्क हमें ये नजर आएगा कि यहां पर हमारे पास एक डेसिमल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। इन दोनों नंबर्स में हमारे पास डेसिमल पॉइंट की जो लेफ्ट साइड वाला नंबर है वो हमारे पास जीरो है, यानी इंटीग्रल पार्ट जो है वो हमारे पास जीरो है। तो इस वीडियो में हम लोग ऐसे डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जिसका हमारे पास जो इंटीग्रल पार्ट होता है वो जीरो होता है और फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास एग्जिस्ट करता है, यहां पर जिस तरह यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है और जिस तरह यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, ये हमारे पास इनके फ्रैक्शनल पार्ट होते हैं। स्टूडेंट्स, जिस तरह के पहले हमने यहां पर इसको सॉल्व किया था रिपीटेड डिवीजन की मदद से, यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन की मदद से। जिस तरह पहले हम लोग इसको डिवाइड करते रहते थे 2 से, यहां पर हम लोग इसको रिपीटेडली मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। कब तक करेंगे वो हम अभी आगे कुछ कंडीशंस देखेंगे इस वीडियो में, तो जब तक हमारी वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती हम लोग ये काम रिपीट करते रहेंगे। तो आइए इस चीज की एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि कन्वर्ट 0.25 टू बाइनरी। तो ये काम अब हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने एक इस तरह का टेबल बनाना है जिसमें हमारे पास 4 बहुत ही अहम कॉलम हैं, जिसमें सबसे पहला है नंबर, दूसरा है रिजल्ट, फिर है फ्रैक्शनल पार्ट और चौथा है इंटीग्रल पार्ट। अब यहां पर स्टूडेंट नंबर के नीचे हमने वो नंबर लिखा है जिसको हमने कन्वर्ट करना है, जो कि हमारे केस में है 0.25। और जिस तरह अभी हमने ऊपर देखा था ये मेथड हमारे पास फॉलो करता है रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन बाय 2, तो यहां पर हम लोग 2 लिखेंगे जिससे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो भी रिजल्ट आएगा वो हम इस रिजल्ट पे लिख देंगे। जब हम 2 को 0.25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट 0.5। अब यहां पर आपने एक बात नोट करनी है कि 0.5 में जो ये 0 है ये इसका इंटीग्रल पार्ट है और ये जो 5 है ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। तो इस 5 को मैं इसके फ्रैक्शनल पार्ट में यहां पर लिख दूंगा और इंटीग्रल पार्ट को यानी 0 को यहां पर लिख दूंगा। अब जो मेरे पास रिजल्ट था स्टूडेंट्स, या मेरे पास जो फ्रैक्शनल पार्ट था, उसको मैं एक डेसिमल फॉर्म बना के, यानी ये अगर 5 है तो इसको मैं लिख दूंगा 0.5 और इसको दोबारा मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। अब जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा 1 और मेरे पास यहां पर फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा 0। चूंकि मेरे पास पॉइंट यहां पर नहीं रहा जब मैंने इसको 0.5 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 1.0। और पॉइंट के बाद 0 हम लोग नहीं लिखते, या अगर लिखे भी तो फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास यहां पर 0 आ गया और इंटीग्रल पार्ट हमारे पास 1 आ गया। तो यहां पर अब हम स्टॉप कर जाएंगे, यानी कि इस रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन को हम लोग स्टॉप कर सकते हैं जब भी हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट जो है हमारे पास वो 0 आ जाए। तो फ्रैक्शनल पार्ट अगर कभी भी जब भी हमारे पास जिस स्टेज पर 0 आ जाएगा उस स्टेज पे हम लोग स्टॉप कर जाएंगे और इसके बाद हम लोग लिखेंगे अपना बाइनरी नंबर कुछ इस ऑर्डर में, यानी टॉप से बॉटम की तरफ। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 1, और 0 1 से पीछे हम लोगों ने इसका इंटीग्रल पार्ट निकला है जो कि था हमारे पास 0 पॉइंट, जिस तरह के आप लोगों को यहां पर आपने देखा था कि 0.25 था। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.01 और इसकी बेस क्या है 2, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 0.01 इक्वल होता है डेसिमल के 0.25 के। अब आगे चलते हैं और इसकी एक कोई कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट हमारे पास अगली एग्जांपल है 0.56 और इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं, 0.56 को सबसे पहले नंबर के कॉलम में लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इसका जो रिजल्ट होगा वो हम इस रिजल्ट में लिखेंगे। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1.12। इसका फ्रैक्शनल पार्ट है हमारे पास 1.2 और इंटीग्रल पार्ट है 1। अब जिस तरह कि आपको याद होगा यहां पे हमने नंबर अब जो नया लिखना है जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, वो ये फ्रैक्शनल पार्ट है और इसको फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग एक डेसिमल बना के लिखते हैं, यानी 0.12 करके लिखते हैं। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 0.24।
और इसी तरह यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट है हमारे पास 2/4 और इंटीग्रल पार्ट है हमारे पास 0. अब यहाँ पर ये फ्रैक्शनल पार्ट था 0.24 और इसको हम लोग रिजल्ट पे यहाँ पर सॉरी नंबर पर यहाँ हम लिखेंगे 0.24. जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 0.48. यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट 48 आ गया और इंटीग्रल पार्ट 0. इसी तरह आप 48 को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 0.48 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 0.96. यहाँ पर हमने फ्रैक्शनल पार्ट 96 लिखा और इंटीग्रल पार्ट 0 लिखा. फिर यहाँ पर हम लोग 96 को लिख सकते हैं 0.96 डेसिमल की फॉर्म में, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.92, जिसका फ्रैक्शनल पार्ट है हमारे पास 92 और इंटीग्रल पार्ट है 1. इसी तरह अब सुनिट देखें हम लोग इसको रिपीट किए जा रहे हैं चूंकि अभी तक हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट में 0 नहीं आया. और जब तक हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट में 0 ना आ जाए या हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट का कोई नंबर रिपीट ना हो जाए तब तक हम इसको रिपीट करते रहते हैं और रिपीट हम लोग इसको 8 बिट्स तक करते हैं. चूंकि हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बिट्स मोस्ट ऑफ द केसेस में 8 ही होती है तो हम इसको 8 नंबर ऑफ बिट्स तक रिपीट कर सकते हैं. हम इसको 8 से ज्यादा भी रिपीट कर सकते हैं अगर हमारी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बिट्स 8 से ज्यादा है, लेकिन इस एग्जाम्पल में हम लोग इसको रिपीट करेंगे 8 बिट्स तक. तो आइए स्टूडेंट इस यही काम रिपीट करते हैं. 92 फ्रैक्शनल पार्ट हम यहाँ पे डेसिमल की फॉर्म में लिख सकते हैं 0.92, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1.84, जिसको हम फ्रैक्शनल पार्ट का अगर इसका लिखें तो 84 आ जाएगा और इंटीग्रल पार्ट 1. इसी तरह आप इस 84 को हम लोग जो है यहाँ पर लिख सकते हैं 0.84, जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 1.68. इसका फ्रैक्शनल पार्ट है 68 और इंटीग्रल पार्ट है 1. इसी तरह मैं इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर सकता हूं 0.68 के साथ, रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा 1.36 और 1.36 का फ्रैक्शनल पार्ट मेरे पास 36 है और इंटीग्रल पार्ट है 1. तो स्टूडेंट आपने देखा कि ये जो रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन का काम था ये मैं 8 दफा रिपीट कर चुका हूं, लेकिन ना ही मेरे पास 0 आ रहा है फ्रैक्शनल पार्ट में और ना ही मेरे पास यहां पर कोई भी वैल्यू रिपीट हो रही है. यानी आप देखेंगे ये सारी डिफरेंट वैल्यूज है, 12, 24, 48, 96, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही. तो जब तक हमारे पास 0 ना आए या वैल्यू रिपीट ना हो हम लोगों ने इसको कंटिन्यू रखना है. और कहां तक कंटिन्यू रखना है? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बिट्स तक. तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बिट्स 8 थी तो हमारे पास ये आप देख सकते हमने इसको 8 दफा रिपीट किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टाइम्स हमने इसको रिपीट किया. इसी तरह अगर हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बिट्स 6 थी तो हम लोग इसको सिर्फ यहां तक रिपीट करते, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक. अब अगर हम इसका आंसर लिखे स्टूडेंट तो पहले की तरह, पहले वाली एग्जांपल की तरह हम लोग इसका लिख सकते हैं सबसे पहले 0 पॉइंट और फिर टॉप डाउन अप्रोच के साथ इसको हम लोग लिख सकते हैं. तो अगर हम लोग 8 बिट्स को फोकस करना चाह रहे हैं तो हम 8 की 8 इसकी बिट्स लिखेंगे, यानी 1000 टेट्रा 1, 1000 टेट्रा 1 और साथ बेस 2. लेकिन अगर मैं चाह रहा था कि मैं सिर्फ 6 बिट्स तक जाऊं तो मैं वो भी कर सकता था, यानी 0.1000 डबल 1, 1000 डबल 1. लेकिन स्टूडेंट बेहतर होता है कि कम से कम 8 बिट्स तक आंसर को लेके जाया जाए, क्योंकि हो सकता था कि यहां पर हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट 0 आ जाती या ये यहां पर हमारे पास कोई फ्रैक्शनल पार्ट में रिपीटेशन आ जाती. तो 8 बिट्स तक ये रिकमेंड किया जाता है कि 8 बिट्स तक इस प्रोसेस को रिपीट किया जाए. तो स्टूडेंट इस वीडियो में हमने देखा कि हम लोग कैसे ऐसे डेसिमल नंबर जिनके अंदर हमारे पास एक डेसिमल पॉइंट एग्जिस्ट करे और उनका इंटीग्रल पार्ट 0 हो उनको हम लोग बाइनरी सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. अब आगे की वीडियो में हम लोग इसी तरह डेसिमल नंबर की एक और टाइप देखेंगे और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.